ऋतिक रोशन के फैंस के लिए हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। भाई जो फैंस ऋतिक को स्क्रीन पर हर पल देखना पसंद करते हैं, ये खबर उनको और भी ज्यादा खुश कर देगी। दरअसल अब आप क्रिश 4 में ऋतिक को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार बार देख सकेंगे और वो भी अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब कि क्रिश 4 में ऋतिक चार अलग अलग रोल्स निभाते नजर आएंगे। जी हां, पिंक पिला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सोर्सेस ने खुलासा करते हुए बताया है, Krish 4 is being mounted on a lavish scale. It will be a visual spectacle for everyone. The story has been locked and this time it won't just be a double role for Ritik but a quadruple one. Ritik will be essaying four different characters in the film. While Krish stays, they will also bring back Rohit from the land of dead. It's not known how Rakesh Roshan plans to incorporate the other two Ritiks in the film. But it's a full-on Ritik show. The role of the leading lady is extremely powerful too this time. भाई जाहिर से बात है कि ये फैंस के लिए किसी बोनांजा ट्रीट से कम नहीं कि उन्हें स्क्रीन पर चार चार ऋतिक देखने को मिलेंगे। और रही बात चार रोल्स की, तो ये खुलासा पहले ही हो चुका है कि इस बार क्रिश 4 में ऋतिक के पिता यानी रोहित को मौत के मुंह से वापस लाने की तैयारी है। यानी दो ऋतिक तो क्रिश और रोहित हो गए, बाकी बचे दो ऋतिक शायद क्रिश का बेटा हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्रिश 3 के एंड में क्रिश का बेटा भी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था, तो हो सकता है कि क्रिश का बेटा भी बड़ा होके उसी की तरह दिखे। और रही बात चौथे ऋतिक की, तो हो सकता है कि फिल्म के विलेन भी ऋतिक ही हो, क्योंकि पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि क्रिश 4 में ऋतिक ही विलेन और हीरो दोनों का रोल निभाते दिखेंगे। भाई ये तो बस हमारा एक अनुमान है, देखते हैं कि मेकर्स चार ऋतिक को लेकर क्या सोच रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, जिसके बाद जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। और कुछ दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि फिल्म में ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर दिखाने के लिए फिल्म के मेकर्स जी जान से जुटे हैं और इसकी जिम्मेदारी शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को दी गई है। सोर्सेज के मुताबिक इस बार फिल्म में ऋतिक कई सुपर विलन्स के साथ लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में इन सुपर विलन्स को बनाने का पूरा जिम्मा शाहरुख की कंपनी उठाने वाली है। वहीं क्रिश 4 में एलियन जादू अब अपने सालों पुराने दोस्त रोहित मेहरा से मिलने के लिए वापस भी आने वाला है। जी हाँ, पूरे 17 साल बाद जादू की वापसी होने वाली है। कल तो इतने सारे धमाकों के साथ इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिश 4 एकदम हॉलीवुड लेवल की बनने वाली है और ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगी। तो भाई ऋतिक के फैंस, क्या आप एक्साइटेड हैं क्रिश 4 के लिए? शेयर कीजिए तुरंत अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।